तो मैथ्स का हमारा सबसे पहला चैप्टर, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चन डाउट्स इस पूरे चैप्टर में से बन जाते हैं, एक रेशियो में से, एक प्रोपोर्शन में से, या कैसे भी करके 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में ऑलमोस्ट आते हैं। डाउट हाँ, क्या कह रहे हो? वो डाउट सर आज बोले थे डिस्कस करेंगे। हाँ, आपने डाउट्स वाले जो क्वेश्चंस डाले नहीं ग्रुप में अभी तक, कल आपने कहा था ग्रुप में डाल डाले सर आज लेकिन नहीं सेंड डाल कर दिया है सारा। डाले, ताकि फिर हम कल उसके आपके डाउट्स लेने। अनुष्का ने भी डाल दिए हैं, आरोही ने भी डाल दिए हैं, और किसी को अगर डाउट्स है एपीजीपी के तो आप एक बार आ जाओ। सेंड किया है क्या होगा कि सारे क्वेश्चन हम एक साथ में फिर डिस्कस कर लेंगे, है ना। कुछ डाउट्स कॉमन भी होंगे, नहीं तो क्या होगा आज किसी के डाउट है फिर कल किसी के है, तो पूरा एक सॉल्व नहीं होता। तो आज सब लोग डाल दो, कल सबके डाउट्स फिनिश। ठीक है, तुम आप कुछ कह रहे थे? हाँ, जैसे वही की डाउट सेंड किए। हाँ डाउट्स के लिए कह रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, उसमें डाल देना आज। तो कल अपन सारे डाउट्स क्वेश्चंस जो है एक साथ ले लेंगे। ओके, तो जो आज डालोगे वो सारे हम कल ले लेंगे, कल डालोगे तो फिर वो बाद में जाएगा नेक्स्ट, है ना। सो चलिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो का मतलब क्या हो गया? रेशियो इज सिंपली अ कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटी, दो या दो से ज्यादा जो क्वांटिटी है उसका कंपैरिजन। लेकिन वो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? इट मस्ट बी ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। सेम काइंड होना जरूरी है, सेम यूनिट होना भी जरूरी है। जैसे ए एंड बी, एक ए एंड बी दोनों का हम क्या ले रहे हैं? वेट ले रहे हैं। ए एंड बी 2 पर्सन से दोनों का हमने क्या लिया? वेट लिया। तो वेट इज सेम काइंड। ऐसा नहीं कि एक पर्सन का वेट ले लिया दूसरे की हाइट ले ली, तो दैट इज नॉट कंपेरेबल। तो जब भी चीजों को कंपेरेबल बनाना है तो उनका काइंड सेम होना चाहिए। सेकेंड, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी सेम। जैसे एक 40 kg दूसरा 50 kg है, बट अगर आपने ऐसा लिख दिया एक तो है 40 kg एंड दूसरा है आपका 100 lbs, 100 pounds, सो अगेन दीज टू आर नॉट कंपेरेबल। तो कंपेयर होने के लिए जरूरी क्या है? दिट मस्ट हैव सेम काइंड एंड सेम क्वांटिटी। नाउ जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो फर्स्ट टर्म इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ए बाय बी। ए इज एंटीसीडेंट, बी इज कॉन्सिक्वेंट। देन रेशियो को हमेशा एक्सप्रेस करना होता है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या हम कह दें लोएस्ट फॉर्म। जैसे 8 and 12 है, तो अब इसको आप 4 से कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिल करके हमको कहाँ जाना है? लोएस्ट तक जाना है। तो 2:3 इज द फाइनल रेशियो। देन कई बार रेशियो आपका फ्रैक्शन के अंदर है, तो अगर वो फ्रैक्शन के अंदर है तो आप क्या कर सकते हो? यूजिंग एलसीएम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे 1/8, 1/3 एंड 1/6 गिवन है। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपली टेक द एलसीएम फर्स्ट। तो 8, 6, 3 का एलसीएम कितना होगा? 24। 24 देन क्या बनेगा? 3, 8 एंड 4। तो 24 डिनोमिनेटर में सब में कॉमन है, उसको आप हटा दो। योर आंसर विल बी 3:8:4। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देन ऑर्डर ऑफ द रेशियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर कोई आपको कह दे 5:7 लिखो या 7:5 लिखो, बात एक ही है? नहीं, बात एक नहीं है, बात में फर्क है। क्योंकि फर्स्ट हमने ए लिखा है, सेकेंड बी लिखा है, तो 8:2 भी 5:7 है। अगर आप यहाँ पे 7:5 कर दोगे तो मीनिंग विल गेट चेंज कम्प्लीटली। तो इसलिए ऑर्डर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर। अब आपको कंपेयर करना है, लेट से 5 minutes and 400 seconds, इसका रेशियो निकालना है। अब दोनों ही क्या टाइम है? तो काइंड तो सेम है लेकिन यूनिट इज नॉट सेम, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट्स कैन बी कन्वर्टेड टू सेकेंड्स। तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 60
बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 5 मिनट में आपके पास हो गए 300 सेकेंड्स. सो ओवरऑल थ्री इंटू फोर फोर ओके. अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे इफ अ सर्टेन क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द रेशियो, इन अ सर्टेन रेशियो, एक पर्टिकुलर पैटर्न में या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, देन द न्यू क्वांटिटी विल बी. तो अगर पहले का रेशियो ए इज टू बी है और आपको न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे सिंपली, तो न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, पहले आपने किया बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी, बी अपॉन ए एंड मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी. अब अप्लाई कैसे करना है समझो. वेट ऑफ मिस्टर राम इज 70 किलोग्राम, ही रिड्यूसेस द वेट इन द रेशियो ऑफ 7:5. इस रेशियो में वेट कम कर लिया, तो फाइंड इज न्यू वेट. तो क्या करना है, पहले आपको न्यू वेट चाहिए. सो न्यू वेट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, 7 अपॉन 5 या फिर 5 अपॉन 7, क्या करना चाहिए. तो 5 अपॉन 7 बी अपॉन ए है, मल्टीप्लाई बाय द ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड कितना था 70, कैंसिल करो, रिजल्ट इज 50 kg. सो न्यू वेट ऑफ मिस्टर राम विल बी 50 किलोग्राम्स. तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तरीका ये है. नहीं तो दूसरा सिंपल सा तरीका है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, क्या, कि 7:5 दिया हुआ है. नाउ 7 ये है ओल्ड एंड दिस इज न्यू. अब क्वेश्चन ने बोला ओल्ड वेट 70 है, फाइंड द न्यू वेट. न्यू वेट को क्या मान लो एक्स, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 7x इज इक्वल टू 70 × 5, सो एक्स इज इक्वल टू 70/7 × 5, रिजल्ट इज 50. तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेटर इनइक्वालिटी. ना कौन सा रेशियो बड़ा है, कैसे पता चलेगा. तो रेशियो को बड़ा पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे 7:5 एंड 9:4, अब कौन सा ग्रेटर है, तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो. 7/5 कितना होता है, 1 point something. 9/4 कितना होता है, 2 point something. तो ऑफ कोर्स 2 point something इज ग्रेटर, तो इसलिए हम कह देंगे कि इसके अंदर हमारा कौन सा ग्रेटर है, 9:4 विल बी ग्रेटर. तो यहाँ पे 9:4 विल बी ग्रेटर. देन कॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज, अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर, द क्वांटिटीज आर सेट टू बी कॉमेंसुरेबल, दैट इज 3:2 एंड 5:7 एंड √3 √2, कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर, एज देयर फॉर √3 एंड √2 आर इन इनकॉमेंसुरेबल क्वांटिटी. मतलब अगर कोई भी चीज आपको रूट में इस तरह से दे रखी है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इनकॉमेंसुरेबल, क्योंकि हम इसको प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते, इसका रेशियो आप प्रॉपर फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि रूट से रूट कैंसिल, 3:2 इज द आंसर, नो, दैट विल बी रॉन्ग. कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो का मतलब हो गया, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ थ्री और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट. जैसे ए बी एंड सी है, इन तीनों को हमने कंपेयर किया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, 3 पर्सन की अर्निंग गिवन है, 5,000 रेशियो 4,000 रेशियो 7,000, 0 सब में कैंसल, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया 5, 4 एंड 7, दैट्स इट.
कई बार क्वेश्चन इतना ज्यादा सिंपल होता है, हमें फील ही नहीं होता अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्या। जैसे अगर आपको रेशियो दे रखा है 2:3, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इनवर्स रेशियो, इनवर्स क्या होगा इसका, रेशियो टू थ्री टू रेशियो उल्टा करना है, ए की जगह पे बी लिखो, बी की जगह पे ए लिख दो, तो 3:2 इनवर्स। सेकेंड इज डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट मीन्स सेम टू सेम चीज वापस लिखी जाए, डबल लिखी जाए, दो बार लिखी जाए, दैट इज डुप्लीकेट। तो अगर a is to b है तो उसका डुप्लीकेट क्या बन जाएगा, a² ratio b² तो दोनों को ही हमने क्या लिख दिया, डबल लिख दिया, 2 times लिख लिया। सो इफ 2:3 इज द गिवन रेशियो, व्हाट विल बी द डुप्लीकेट, 4:9 4:9। 4:9 यस, ट्रिप्लीकेट में क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, तो इसी का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या बन जाएगा, टू क्यूब इज 8, 3³ इज 27, तो 8:27। अब जब आगे लग जाता है सब सब डुप्लीकेट, इस बार स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट करना है, तो ए रेशियो बी है, इट विल बिकम √a/√b। तो अगर आपको दे दिया है 9:25, इसका निकालना है सब डुप्लीकेट रेशियो, तो क्या करेंगे, 3:5 3:5 3:5 रूट करेंगे। यस, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है तो आपको क्या करना है, क्यूब रूट कर देना है। तो अगर आपको क्वेश्चन ने यहाँ पे दे दिया है लेट से 27:216, 3:6 3:6 3:4 फाइनल आंसर 1/2 1:2, 3:6 सही था, लेकिन उसके आगे एक स्टेप और करना था, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लेके आना है। सो क्यूबिक रूट एंड देन सिंप्लीफिकेशन। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड मतलब दो रेशियो क्या कर देना है, मर्ज कर देना है, या दो से ज्यादा रेशियो है तो उन सबको मर्ज कर देना है, तो बन जाएगा आपका कंपाउंड रेशियो। a:b and c:d, इनको मर्ज करना है तो क्या लिखोगे, a/b multiply by c/d। तो क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी a × c, सेकेंड सेकेंड वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ac:bd या ac/bd। तो अगर आपको दे रखा है 1:2 and 3:4, तो क्या आंसर होगा, 3:8। थ्री यस, 3/8 या 3:8। नाउ रैपिड फायर राउंड, क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड एंड सेम यूनिट। बोथ इन रेशियो a:b द क्वांटिटी a और b आर कॉल्ड डैश टॉम्स टॉम्स रेशियो, a और b क्या है, टू सर रेशियो। यस, a कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म फर्स्ट का बी टर्म और एंसिलरी फोर्थ, एंड दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, 4 2:5, 2:5 5, 1/3, 1/8, 1/6। अभी हमने ऊपर किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यस, बी 8:3 8:3, 4, बी 6। कैन वी फाइंड द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड टाइम, नो नो, नो बिकॉज दे आर नॉट ऑफ सेम काइंड।
विच इज ग्रेटर, 3/7 और 5/8? 5/8 5/8 दोनों को डिवाइड कर, जिसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है दैट इज ग्रेटर। कॉमन शेयरेबल क्वांटिटी कौन सी है जिसमें 2:3 रूट ये 2:3 15 9 इनवर्स रेशियो चाहिए, 15 15 10th में डुप्लीकेट चाहिए, 64:49 64:49 49, 11 में ट्रिप्लीकेट, ऑप्शन बी 8:27 7 बी सब डुप्लीकेट रेशियो, 5:6 5:6 सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सिक्स इज टू सेवन 8 सिक्स इज टू सेवन 7। तो मैथ से क्वेश्चन कभी इतने फास्ट नहीं करूंगा ना, एक एक सेकंड में आंसर आता है। 14 सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, 5:27, 9, 5:9 15। फाइंड द रेशियो कंपाउंडेड, कंपाउंड रेशियो निकालना है, मतलब सारे रेशियो को मर्ज करके एक सिंगल रेशियो निकालना है। किसका निकालना है कंपाउंड रेशियो? तो पहली टर्म में डुप्लीकेट ऑफ 5:6, क्या होता है 5:6 का डुप्लीकेट? 25:36 25/36 लिखा, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 25:42, क्या करें इसका रेसिप्रोकल? 42/25 25 एंड सब डुप्लीकेट ऑफ 36:49, 6/7 6:7। अब कर दो कैंसिलेशन एंड निकाल दो 1:1 1:1। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 16, रेशियो कंपाउंडेड 4:9, डुप्लीकेट ऑफ 3:4, एंड ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3। 2:27 यस सर, 2/27 आगे आंसर सी टू इज 2:27। 35 क्या बात है, इन द रेशियो 7:8 इफ द कॉन्सिक्वेंट इज 40 फाइंड द एंटीसीडेंट। तो सिंपल सा है, 7:8 कॉन्सिक्वेंट मतलब बाद वाला, 40 है फर्स्ट में आपको निकालना है, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 35 यस, तो 8x इज इक्वल टू 7 × 40, x इज 35। ओके, 18th क्वेश्चन, ए प्लस बी रेशियो रूट ए बी इज इक्वल टू 4:1, देन फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू। कैसे करोगे? ए प्लस बी इज 4 एंड रूट ए बी इज 1। ए प्लस बी रेशियो ए बी इक्वल टू 4:1 ये दिया हुआ है आपको, कैसे करूं? बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे गाड़ी कहाँ अटकती है, हमको लगता है अच्छा ये सब अल्फाबेट्स आ गए अब तो हमसे नहीं होगा, अगर ये सर सोच। एलसीएम एलसीएम लेकर के सर हाँ क्या कह रहे हो? लाइक बी ए ए प्लस बी अपॉन बी ए आ जाए सर हाँ ए प्लस बी इज टू रूट ए बी 4/1 है ना, तो उसको हम हाँ लोग स्क्वायर कर देंगे क्यों? तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एक इक्वेशन एंड अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 1 दूसरी इक्वेशन, यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं देन इसमें पुट करके आंसर आ जाए सर ना ना ना, इतना लंबा नहीं करेंगे। ए प्लस बी 4 है एंड रूट ए बी 1 है।
हाँ फिर ए बाय बी देखो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कैसे हो, करना, ए बाय बी में बी प्ले में कर। देखो आसान तरीका बता रहा हूँ। सर आंसर इज बी। आंसर बी आ गया, क्या बात है। देखो सिंपल सा तरीका, ए प्लस बी अपॉन में रूट ए बी इज इक्वल टू 4/1। ठीक है, रूट ए बी किसके नीचे, ए के या बी के? दोनों पे दोनों के नीचे है ना, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो ना, ए अपॉन रूट ए बी यस एंड बी अपॉन रूट ए बी। ठीक है, अब ए का मतलब क्या होता है, रूट ए इंटू रूट ए, पता है हमें बचपन से पढ़ रहे हैं। ये मैं इतना डिटेल में इसे करूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैंने लॉजिक क्या लगाया, बाकी इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली ये काम हो जाता है। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हुआ, इधर ए ये से कैंसिल हुआ, बी से बी ए आप बाय क्या बी बी करेंगे, बाय उसके सर आंसर आ गया। बस यही आंसर है, यही तो चाहिए था, और वो आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो कई बार क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लगे लेकिन होता नहीं है मुश्किल। सर या फिर हमने जो ये दिया है रूट अंडर ए अपॉन बी या फिर प्लस रूट अंडर बी अपॉन ए, उसको भी तो सॉल्व करके ऐसे डायरेक्ट फोर ला सकते हैं। जो किसको किसको जिसका आंसर पूछ रहा है उसको सॉल्व करके डायरेक्ट तो आ जाएगा ए अपॉन बी। लेंदी हो जाएगा, नहीं, वो बहुत इजी हो जाएगा, उसी से तो आया। हमने तो सिंपली क्या किया, इसको डिवाइड किया, कैंसिल किया और आगे आंसर, और कुछ नहीं किया हमने, कोई वैल्यू नहीं निकाली, कहीं भी पुट नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 19, इफ 3x+3 रेशियो 9x+7 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:5। ये 3:5 का डुप्लीकेट रेशियो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कैसे करेंगे, क्या इक्वेशन बनेगी बताओ। थ्री एक्स अपॉन थ्री अपॉन 9x+7 इज इक्वल टू 3/5 एंड इक्वल टू थ्री देन क्रॉस क्योंकि एक्स और मल्टीप्लिकेशन। 9/25 डुप्लीकेट है सॉरी, 9/25। 9/25 क्योंकि यहाँ डुप्लीकेट लिखा है कि 3:5 का जो डुप्लीकेट है वो इसके इक्वल है, तो 3:5 का डुप्लीकेट लिख दो 9/25। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एक्स का वैल्यू निकाल दो। नाइन आ रहा नाइन ऑप्शन से भी कर लो बात, देखिए कैसे भी कर सकते हो। तो क्या आंसर आ रहा है, 2। टू आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से 20 वाला हो जाएगा, 21 कर लेते हैं। इफ पी इज टू क्यू इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सर पी इज टू क्या, क्यू क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो है, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी ये बताओ। पी बाय क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके तो सब डुप्लीकेट है, तो हमने एक बार तो क्या किया रूट को फिर लगा मान दिया लीजिए। इसके ऊपर, अब आपको सॉल्व करना है, तो अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लोगे, तो सर पी बी स्क्वायर ऑप्शन। अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप कर सकते हो, सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यस सर। राइट। इसी पैटर्न से आपका सेम टू सेम 22 भी है, डुप्लीकेट रेशियो वाला सेम टू सेम पैटर्न।
23 में डुप्लीकेट जगह पे ट्रिप्लीकेट है एज इट इज. अपॉन में लिखना है फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इक्वल टू 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब एक्स आ जाएगा. नाउ 24. इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 एंड इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम द रेशियो बिकम 2:3 देन फाइंड द नंबर. अगेन बेस्ट तरीका क्या है यूजिंग ऑप्शन. ऑप्शन लगाओ आंसर आ जाएगा. तो पहले चेक करो फर्स्ट कंडीशन कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 क्या ऑप्शन ए 5:7 में है क्या बताओ. यस सर यस सर बी नंबर ए. लेकिन अब हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया दोनों में से तो क्या रेशियो 2:3 बन रहा है क्या. तो 12 and 18 क्या 2:3 आ रहा है बताओ आ रहा है क्या. यस सर तो आंसर कौन सा हुआ ऑप्शन ए. यस सर ऑप्शन यस सर. तो 15 में से माइनस किया 3 एंड इधर दूसरी तरफ आपने 21 में से माइनस किया तो 12:18 2:3 फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच हो गया. तो क्या सेकंड ऑप्शन में मैच हो रहा है. सेकंड आपका मैच नहीं हो रहा है बाकी सारे आपके मैच नहीं होंगे सिर्फ ओनली ऑप्शन ए विल मैच. नेक्स्ट 25 इसी टाइप से करके बताओ. 3:5 रेशियो है 8 इज एडेड 2:3 बनना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी सर बी ऑप्शन. देन 26 द एजेस ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 18 इयर्स अगो देयर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ 8:13 Find the present age. Again, same tarika. Try karo. 25 and 35, 5:7 hai. Yes, first condition is satisfied. 18 saal pehle minus kar do 18. 18 minus karenge to kitna aa raha hai? 7. And yahan pe aapka kitna aa raha hai? 17. Match ho raha hai kya? No. First option is wrong. में ट्राई करो 5:7 मैच हो रहा है. 8 साल पहले क्या एज होगी. अच्छा नहीं 18 इयर्स अगो 18 इयर्स पहले क्या एज होगी. 32 एंड 52 क्या रेशियो 8:13 आ रहा है. यस सर यस मैच बोथ द कंडीशन आर सैटिस्फाइड. A's percentage ratio to B's percentage वो कितना है 8:27 ये अभी इनका रेशियो है. 20 years ago their age was in the ratio of 5:7 कौन सा ऑप्शन. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी देखो ऐसे क्वेश्चन में आप बहुत फास्ट कर सकते हो. कैसे आपको पता है फर्स्ट रेशियो बड़ा है सर ऑप्शन नंबर ए एज ज्यादा होगी 20 से तो सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. सी भी नहीं हो सकता उसने बोला 27 साल पहले. 27 साल पहले आज इसकी एज 20 है 27 साल पहले तो क्या ये -7 का होगा. नॉट पॉसिबल. तो बी आंसर आपके कट हो गए सीधा आपको ए को चेक किया और आंसर. चले 28 हो जाएगा इजी है. 29 डिवीजन ऑफ 750 इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 4, 5 and 6 अकाउंट्स में खूब किया होगा पार्टनरशिप के अंदर. कैपिटल को डिवाइड करना है इन दिस रेशियो या प्रॉफिट को डिवाइड करना है.
ऑप्शन नंबर ए. क्लियरली बी तो सब में सेम है, हो नहीं सकता. सी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन बड़ा ऐसा है और लास्ट छोटा है, ये भी हो नहीं सकता. तो क्लियरली ऑप्शन नंबर ए. एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2, 7, 11. अब ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं? 180 डिग्री होता है सर टोटल तीन में. एंगल होता है, तीनों का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री ऑप्शन होता है. तो 180 डिग्रीज को आपको डिवाइड करना है 2, 7, 11 के अंदर. मल्टीप्लाई सी सर. बाय 2 डिवाइडेड बाय उसका टोटल. टोटल कितना होता है? 20. तो कितना आएगा? 18 ऑप्शन डिग्रीज. फिर 18 वाला ऑप्शन एक ही है, सी. थ्री सेवेंटी एट आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/4, 1/6. वॉट विल बी द शेयर ऑफ सी? सी का शेयर कितना होगा? फोर थ्री टू सी का शेयर कितना होगा? सर, फोर इंटू थ्री टू टू तो 84, एटी कितना? फोर एटी फोर 84. 84 सर. पक्का? यस सर. क्या 63 आ रहा है? पहले रेशो को एकदम इक्वल कर दे, मतलब 1/3 तो अपन 12 से कर सकते हैं. मतलब 3 × 4 12, 4 × 3 12, तो देखो, कितना हो वन गया? 4 × 3 बाय तो थ्री, 1/4, 1/6. पहले आपको प्रॉपर रेशियो कैलकुलेट करना है. एलसीएम कितना आएगा? 12. 12 तो 4 12 इस टू 2, ये आपका रेशियो आ गया. अब इस रेशियो में आपको 378 को डिवाइड करना है, बट ए एंड बी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सीधा सी की वैल्यू चाहिए. तो 378 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 2/9. तो 42 × 2 दैट इज 84. ये आ रहा है? यस सर. ओके. सिमिलरली 32 आपका हो जाएगा, सेम पैटर्न है. देन 33, ए बाय 4 इज इक्वल टू बी बाय 5 इक्वल टू सी बाय 9. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी. टू 2. सिंपल तरीका है, सबकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज लिखी है वो लिख दो. ए की 4, बी की 5, सी की 9. अपॉन में सी है 9. 18/9 is 2. इसी पैटर्न में आपको नेक्स्ट वाला भी करना है. एक्स बाय 2, वाई बाय 3, जेड बाय 7. मतलब वैसे इसका लॉजिकल वे क्या होता है, अगर प्रॉपर प्रेजेंट करना होता है तो हम इन सबको लेट करते हैं, लेट देम इक्वल टू के. के तो एक्स इक्वल टू क्या बन गया आपका? 2 के. y इज इक्वल टू 3 के एंड z इज इक्वल टू 7 के. तो सब कुछ k की टर्म्स में आ गया. अब जो फाइंड करना है उसमें वैल्यू पुट कर दो. सो 2 × 2 के माइनस 5 × 3 के प्लस 4 × 7 के अपॉन 2y. तो 2 × 3 के तो कितना हो गया? 4 के माइनस 15 के प्लस 28 के अपॉन 6 के. तो कितना आ जाएगा आंसर? 17/6. 17/6. इसी पैटर्न से आपका 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा. इन सब में डायरेक्टली क्या करना है, पी क्यू एक्स वाई सबकी वैल्यूज आप पुट करोगे और सारा के सारा आंसर आपका आ जाएगा. ये सारे पैटर्न आपके एक ही जैसे हैं.
देन 42, पी क्यू आर आर द थ्री सिटीज एंड द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज 11:12। ये दे रखा है, पी इज टू आर का रेशियो दे रखा है कितना, 9:8। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर का रेशियो निकालना। तो इसमें हमेशा एक शॉर्टकट ट्रिक है कि जो वैल्यू दोनों के अंदर दे रखी है रेशियो में उसको यूज करोगे। जैसे 11 एंड 9 दोनों में दे रखा है, तो 11 को क्या करोगे, इस सेकंड रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो, एंड 9 को क्या करोगे, इस फर्स्ट रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो। तो सेकंड वाले को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 11, फर्स्ट वाले को कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 9। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये बन गया आपका 99। ऑप्शन बी 12 × 9 कितना होता है, 108, 88। एंड 8 × 11 कितना होता है, 88। अब आपको कितना रेशियो चाहिए, 108:88। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सर मॉर्निंग में भी क्लास है क्या कल मॉर्निंग में? कल मॉर्निंग में हम, हाँ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल, कल हम मैथ्स का रखेंगे, मॉर्निंग में क्यों का नहीं रखेंगे, बट मैथ्स का रखेंगे, और उसके अंदर ये प्रपोर्शन जो है ये आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, है ना। तो इतना ही पार्ट है, तो कल मॉर्निंग में आपका ये टॉपिक फिनिश, सर कितने बजे रहेगा? मॉर्निंग 8 o'clock। ओके सर। चलो अभी टाइमिंग होने वाला है, तो आपको आप बेसिकली ट्राई करना है 45 तक। मैं अभी ये शीट शेयर कर दूंगा आपको, तो 45 तक आप ट्राई करना, हो जाएंगे वैसे सारे। और फिर उसके बाद जो ये वर्ड प्रॉब्लम है इसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो सब हम कल मॉर्निंग सर में ये टॉपिक, पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा ना सर, क्या कह रहे हो। एपी का ये वाला पीडीएफ हाँ अभी शेयर कर दूंगा पीडीएफ में, और उसके सर अलावा जो भी एपी का आपके वो डाउट्स है वो पीडीएफ। आज ही ग्रुप में डाल देना, ताकि फिर कल शाम को हम आपके जो भी डाउट्स होंगे वो ले लेंगे। ठीक है, यस सर एपी एपी का वीडियो चाहिए सर। का वीडियो चाहिए, नहीं डाला मैंने ना, ओके अभी डाल देता है रात को, ठीक है।